वेलकम अगेन इन माय चैनल बैक टू बिजनेस स्टडीज बाय शोभा भदौरिया। आज हम कंटिन्यू करने वाले चैप्टर नंबर 2 को, जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स मतलब तरीके जिससे एक मैनेजर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है और मिनिमम कॉस्ट में। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज द फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब फंक्शन मतलब काम, और फोरमैन मतलब वो एम्प्लॉय जो कि लोअर लेवल में वर्क करता है। तो लोअर लेवल का एम्प्लॉय क्या काम करता है? जैसा कि हम जानते हैं, फोरमैन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके वर्कर के साथ। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके आसपास सारी की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी घूमती है या फिर रिवॉल्व करती है। जैसे हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल या फिर प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे के सारे काम जो परफॉर्म करवाता है वो एक इंसान होता है जिसका नाम होता है फोरमैन। तो आप कंटिन्यू करते हैं, एडवर्ड टेलर जी ने ये बताया कि फोरमैन में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे वो एजुकेटेड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, जजमेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लेकिन जब वो ये सब ढूंढने निकले तो उनको एक फोरमैन के अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं मिली। तो उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, फोरमैन की कैटेगरी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो इंसान थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी है और एजुकेटेड है, उसको हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे। और दूसरा, जिसकी हेल्थ अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, उसको हम डालेंगे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोगों को रखा, 4 क्लर्क्स को अपॉइंट किया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने 4 बॉसेस को अपॉइंट किया। और एक वर्कर को ये सारे के सारे मतलब 8 जो आपके बॉस होंगे ये कंट्रोल करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला बॉस प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जो सबसे पहला बॉस था वो है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो था वो इंस्ट्रक्शन बनाता था और वो इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के आपके गैंग बॉस को देता था। उस इंस्ट्रक्शन में ये लिखा होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर क्या काम करेगा और रॉ मटेरियल्स उसको कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड में लिखी होती थी। तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करने का काम होता था आपका वर्कर्स के लिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। दूसरा होता है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होता था कि काम के सीक्वेंस को डिजाइन करना, मतलब काम कब शुरू होगा और ये कहाँ परफॉर्म किया जाएगा। तीसरा क्लर्क है आपका, जिसे हम कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये डिसाइड करता है कि काम कब शुरू होगा और काम कब खत्म होगा और काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। और आपका लास्ट है डिसिप्लिनरी। इसका काम ये होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, प्रॉपरली रूल्स एंड रेजोल्यूशन बनाना ताकि डिसिप्लिन आपका बना रहे। इसके साथ ही प्रॉपरली चेक करना कि चीजें कोऑर्डिनेटेड रहे आपके प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके जो 4 बॉस थे उनमें सबसे पहला है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या होता है, किसी भी काम के स्पीड को चेक करना। अगर स्पीड स्लो हो रही है, काम जो है आपका एज पर टाइम सोचा गया है पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को भी चेक करना कि काम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है आपका गैंग बॉस। गैंग मतलब होता है ग्रुप और बॉस मतलब लीडर। तो ग्रुप का जो लीडर होता है उसे हम कहते हैं आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है, आपके मैन और मशीन दोनों को फिट रखना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स, काम को करवाने के लिए इन दोनों को प्रॉपरली फिट रखना और टाइम पर अवेलेबल करवाना, ये काम होता है आपके गैंग बॉस का। थर्ड है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम ये होता है कि चेक करना कि मशीन और टूल्स दोनों के दोनों प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, अगर नहीं है तो उनको चेक करके ठीक करवाना। अब हम आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आपका फोर्थ बॉस होता है। इसका काम ये होता है कि चेक करना जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है किसी भी सामान को बनाने के लिए, ये चेक करते रहना कि सामान उसके अकॉर्डिंग निकल रहा है कि नहीं या प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर वो एज पर क्वालिटी नहीं है तो उसको ठीक करवाने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये आपके जो 8 बॉस हैं ये सब मिलके एक वर्कर से काम परफॉर्म करवाते हैं एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। हम इस टेक्निक को ये भी कह सकते हैं कि ये टेक्निक आपकी एक्सटेंशन होती है डिवीजन ऑफ वर्क एज पर दी स्पेशलाइजेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन।
एडवर्ड टेलर जी ने ये कहा कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके किसी भी काम को करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड सेट करिए। वो स्टैंडर्ड आपके मशीन का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है, टूल्स का हो सकता है, मैन का हो सकता है, हर एक चीज का आप एक स्टैंडर्ड सेट करिए। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आप वर्क स्टडी का यूज कर सकते हैं। वर्क स्टडी का मतलब मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। इन सब स्टडीज को आप यूज करके उसका एक स्टैंडर्ड सेट करिए। तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी या हमें क्यों स्टैंडर्ड सेट करना है? स्टैंडर्ड सेट हमें इसीलिए करना ताकि हम जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको फिनिश कर दें, उनको रिड्यूस कर दें। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स टू रिड्यूस दी वेस्टेज, यानी जो एक्स्ट्रा वर्क है उनको एलिमिनेट करना। दूसरा, किसी भी चीज की यानी किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना ताकि ह्यूमन रिसोर्स आपका वेस्ट ना हो। तीसरा, किसी भी चीज को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सके, मतलब अगर आप चाहें तो उसमें आसानी से कभी भी पार्ट्स और टूल्स में बदलाव ला सके। और चौथा है आपका स्टैंडर्ड सेट करना आपके क्वालिटी का। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव है आपके जिसके लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसके लिए आपको एक काइजन टेक्निक है। काइजन टेक्निक हमें ये बताती है कि हमें बदलाव करना चाहिए अच्छे के लिए। तो इसका मतलब होता है चेंज फॉर गुड या चेंज फॉर द इम्प्रूवमेंट। काइजन टेक्निक की शुरुआत हुई जापान में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। उन्होंने F.W. टेलर के साइंटिफिक मेथड्स के अप्रोच को माना और उन्होंने हमें काइजन टेक्निक दी। काइजन टेक्निक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्शन लाइन में अननेसेसरली और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करना। जैसे आपको हम बता दें कि वो एक्टिविटीज जो कि आपकी प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ाती है लेकिन प्रोडक्ट के मनी वैल्यू को नहीं बढ़ाती है, उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना और ऑन टाइम डिलीवरी हो सके, प्रोडक्शन प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो सके और जो भी काम है आपके लेस कॉस्ट में फिनिश हो सके। इसके लिए क्या किया, एक मेथड यूज किया, दैट इज टेक अ पार्ट एंड पुट इट इन द बेटर वे, मतलब चीजों को वहां से उठाइए और कहीं पर अच्छी जगह पर ले जाइए। उससे क्या होगा कि वहां पर उन चीजों के लिए उन्होंने प्रॉपरली रिसर्च किया कि कौन कौन सी एक्टिविटी वेस्टफुल होती है और उनको वहां से उन्होंने रिड्यूस किया, हटाया और उसके बाद उन्होंने उसका स्टैंडर्ड सेट किया। इससे क्या हुआ, मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरह का जो हार्डवर्क आपके लेबर करते थे वो हार्डवर्क क्या हो गया, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो काइजन टेक्निक आपकी हेल्प करती है किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी प्रोडक्शन लाइन से आप वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सेट करना। अगर हम एक एग्जांपल है आईफोन का, तो आईफोन में अगर आपका मशीन ए लगना है तो आप मशीन ए उसका क्या है, स्टैंडर्ड। तो जब भी आप आईफोन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, मशीन ए ही यूज करेंगे उसके प्रोडक्शन के लिए, तो क्योंकि हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ। स्टैंडर्ड सेट करने से क्या होगा कि आप क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और कस्टमर आपके सेटिस्फाई होंगे। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को आसान करना जिससे आपका एम्प्लॉय अननेसेसरली टाइम ना ले उस काम को समझने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं टू एलिमिनेट द अननेसेसरली साइज डायमेंशन और वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन। एक एग्जांपल लेते हैं आपके शूज के साइज का। शूज के साइज हमेशा 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि वो आपके 2.5, 3.5, 4.75 इस तरह के होते हैं? नहीं, क्योंकि आपके अननेसेसरली डायमेंशन होते हैं जिसको आपको रिड्यूस करना है। क्योंकि आप अगर इन साइजेस को बनाएंगे तो लेबर उसको बनाने में कंफ्यूज होगा और आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम हर एक चीज की जो अननेसेसरी वैरायटीज होती है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये टेक्निक ये कहती है काम को सिंपल बनाइए और कुछ प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करवाइए, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जो है आपकी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट वे चूज करना, मतलब टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू कंप्लीट अ जॉब, इट इज कॉल्ड द मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स आपके रॉ मटेरियल से स्टार्ट होते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, देन जब तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता तब तक आपके
आपकी ये मेथड स्टडी अप्लाई होती है। सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो है आपकी हमेशा ही मेथड स्टडी को फॉलो करती है। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और वो भी आपका मिनिमम कॉस्ट में। सपोज करिए आप एक बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर में रहते हैं और फोर्थ फ्लोर में आपको कुछ सामान पहुंचाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप लिफ्ट का यूज करिए या तो आप स्टेयर्स का यूज करिए। अगर आप लिफ्ट का यूज करेंगे तो सामान जल्दी आप तक पहुंच जाएगा और बिना डैमेज के। आप स्टेयर्स का यूज करेंगे तो आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और सब काम आपका डिले होगा और लेट पहुंचेगा। तो आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है बेस्ट मेथड क्या होगा किसी भी काम को करने के लिए। इस केस में भी आपको ये चेक करना है कि आपके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि आप तक सामान पहुंच जाए आसानी से। तो इसे हम कहते हैं मेथड स्टडी, मतलब काम को आसानी से कम समय में आप तक पहुंचाना और दूसरा किसी भी काम को करने के लिए उसका बेस्ट तरीका चूज करना, वो होता है आपका मेथड स्टडी। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जो है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना। मूवमेंट्स जैसे आपके लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को रखना, कहीं बैठना या किसी भी चीज की पोजीशन को चेंज करना, तो इसे हम कहते हैं आपका मूवमेंट्स या फिर आपका मोशन स्टडी। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी अननेसेसरली मूवमेंट्स ना हो। तो हम ये कह सकते हैं टू एलिमिनेट द अननेसेसरली मूवमेंट्स इट इज कॉल्ड योर मोशन स्टडी। मतलब वो सारे मूवमेंट जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनको खत्म करना आपके मोशन स्टडी में आता है। मोशन स्टडी में एडवर्ड टेलर के फ्रेंड थे फ्रैंक गिल्बर्ट। गिल्बर्ट ने क्या किया कि आपके मोशन स्टडी को डीपली स्टडी किया और जो उनके जो वर्कर्स थे वो काम करते थे ब्रेक सर, उस ब्रेक मूवमेंट में उन्होंने 18 मूवमेंट से रिड्यूस करके उसको 5 तक लेकर आ गए। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपने अपने घर में मिस्त्री को काम करता हुआ देखा होगा। मिस्त्री क्या करता है, चाहे वो ईंटें हो चाहे आपका वो सीमेंट हो, उन सबको अपने आसपास रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो हमेशा उसके इजीली एक्सेसिबल हो, वो उठाए और उसको यूज कर ले। अगर उसे ज्यादा झुकना पड़ेगा तो वो कम लेयर बना पाएगा और मैक्सिमम टाइम लेगा आपकी वॉल को फिनिश करने के लिए। इसीलिए वो हमेशा कोशिश ये करता है, चाहे वो आपका ईंट हो चाहे वो आपका सीमेंट हो, दोनों ही उसके पास रखा होता है और वो आसानी से उसको यूज कर सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपने देखा होगा कि घर में एक मसालेदानी का डब्बा होता है, सारे मसाले एक साथ रखे होते हैं छोटी छोटी कटोरियों में। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई भी डिश बनाते हैं डायरेक्टली आप उसमें से यूज करके उसमें डाल लेते हैं। वही अगर वो मसाले सेपरेटली कहीं और रखे होंगे तो बार बार अपने हैंड्स का यूज करना पड़ेगा उसको पिक करने के लिए और उसको रखने के लिए। तो वो आपके अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं जिसकी आपको उस काम में जरूरत नहीं है, इसलिए आप एक मसाले का डब्बा बना लेते हैं एक साथ जिसमें सारे मसाले आप लोग रख लेते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है, उन्होंने हमें तीन बातें बताई। पहली बात, ये चेक करिए कि कौन सा मोशन प्रोडक्टिव है, मतलब किस मोशन को आपको एलिमिनेट नहीं करना है और जिसके बिना काम कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरा है आपका मोशन विच आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब वो मोशन जो कि गलती से हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन हर बार वो मोशंस नहीं होंगे, वो मूवमेंट्स आपके रेगुलर नहीं है। और तीसरा है आपका मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, उनको तो आप एलिमिनेट कर लीजिए क्योंकि उससे सिर्फ आपका टाइम इंक्रीज होता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है। अब इसके लिए उन्होंने स्टॉप वॉच का यूज किया, डिफरेंट कलर्स का यूज किया और सिंबल्स का यूज किया अपने एम्प्लॉइज को समझाने के लिए, अपने वर्कर को समझाने के लिए कि किस तरह से वो मोशन स्टडी में वर्क कर सकते हैं। उन्होंने समझाया और उन्हें क्लिप्स भी दिखाई जिसको उनके वर्कर्स ने देखा और काम करने का तरीका सीखा किस तरह से वो मूवमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका साबित हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी की तरफ जो है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को सेट करना। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इट इज कॉल्ड अ टाइम स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम सिनेरियो होना चाहिए, मतलब अगर वो काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उस काम की कोई इंपॉर्टेंस कोई महत्व नहीं होता है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आपको एक माचिस का बॉक्स बनाने में 5 मिनट लगते हैं, मतलब एक घंटे में आप 12 बॉक्सेस बना लेंगे। और अगर आप 7 आवर्स वर्क करते हैं तो आप एक घंटे का रेस्ट मान लीजिए और आप 6 घंटे काम करिए, मतलब आप 72 बॉक्सेस फिनिश कर देंगे।
तो इससे क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर वो 1 घंटे काम करेगा तो उसे कम से कम 12 बॉक्सेस बनाने हैं, और अगर वो 6 घंटे काम करेगा तो उसे कम से कम 72 बॉक्सेस बनाने ही होंगे। ये आपने टाइम डिसाइड किया। अब ये टाइम कैसे डिसाइड किया? टाइम डिसाइड करने के लिए आपने एक स्टॉपवॉच का यूज किया, एक ही काम को बार बार आपके अलग अलग वर्कर से कराया और फिर चेक किया और रीडिंग को चेक किया कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है। इससे आपने उस काम को करने का टाइम सेट कर दिया, उस काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, जैसे कि इस एग्जांपल में आपका 5 मिनट था एक बॉक्स को बनाने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, दूसरा हमें उन्हें कितनी सैलरी कितना इंसेंटिव देना है ये पता लगाया जा सकता है, और तीसरा लेबर कॉस्ट कितनी आएगी आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं या ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम स्टडी का मतलब होता है कोई भी काम को करने के लिए एक समय को निर्धारित करना। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी की तरफ, जो है आपका फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब थकान, थकान का अध्ययन। अब कोई भी इंसान जब बहुत देर तक कंटिन्यूसली काम करता रहता है तो वो मेंटली और फिजिकली थक जाता है, उसे रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर हम उसे रेस्ट नहीं देंगे तो वो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे आपके इंटरवल्स होते हैं, कुछ इंटरवल आपके शॉर्ट ब्रेक के होते हैं लाइक 15 मिनट्स, कुछ आपके लॉन्ग ब्रेक्स होते हैं जो कि आपके हाफ एन आवर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोबारा रीगेन कर सके अपनी एनर्जी और दोबारा पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो सके। अगर आप लगातार 6 to 7 hours पढ़ते रहेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको सब समझ में आएगा फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड तक, लेकिन जैसे ही आप लास्ट पीरियड तक पहुंचेंगे आपका स्टैमिना फिनिश हो जाएगा, इसीलिए हमें रेस्ट दिया जाता है। सेम तरीका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के वर्किंग में भी होता है। कोई भी एम्प्लॉय जब लगातार वर्क करेगा तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रेस्ट दे, चाहे वो शॉर्ट ब्रेक्स हो चाहे वो आपके लॉन्ग ब्रेक हो, जिससे कि उनका जो स्टैमिना है जिससे उनकी जो एनर्जी है वो रीगेन कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में फिर से एक्टिवली वर्क कर सके और एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। अब क्या कारण होते हैं आपके फटीग स्टडी के, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कारण आपका वर्किंग कंडीशन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर आप लॉन्ग आवर्स तक काम कर रहे होंगे, या फिर आपके रिलेशन जो है आपके बॉस के साथ अच्छे नहीं होंगे, या फिर जो काम आपको दिया गया है आप उसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इन सब चीजों की वजह से आप क्या थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्ट मिलेगा तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आपका स्टैमिना वापस आएगा और आप एक्टिवली वर्क कर पाएंगे। तो फटीग स्टडी हमसे ये कहती है कि जब भी आप काम करवाएं किसी भी एम्प्लॉय से लॉन्ग आवर्स तक तो आपको उनको शॉर्ट या लॉन्ग ब्रेक जरूर देना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो है आपका डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम। डिफरेंस मतलब आपको अलग अलग पे करना है, जो भी इंसान जितना काम करेगा, जो 1 यूनिट बनाएगा आप उसको 1 यूनिट के अकॉर्डिंग पे करेंगे, जो 2 यूनिट बनाएगा आप उसको 2 यूनिट के अकॉर्डिंग पे करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका जो एफिशिएंट वर्कर है वो भी आप पता लगा पाएंगे और जो आपका इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी आप पता लगा पाएंगे। जो आपका एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा ताकि वो और अच्छा काम करे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी मोटिवेट होगा ताकि वो आपका अच्छा अर्न कर सके जितना कि आपका एफिशिएंट वर्कर वर्क कर रहा है। तो ये आपकी एक मोटिवेशन ट्रिक होती है जिससे आप समय को बचाते हैं, मतलब आप मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया जो कि आपका 10 यूनिट था, 11 बनाएगा उसको आप 550 देंगे और जो आपका 9 बनाएगा आप उसे 360 देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये 190 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये मोटिवेट करेगा आपके इनएफिशिएंट वर्कर को ताकि वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे और उसकी अर्निंग ज्यादा हो सके। सेम आपका जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो भी मोटिवेट होगा कि वो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो ये टेक्निक उन्होंने दी ताकि आपके रिसोर्स वेस्ट ना हो, आपके टाइम वेस्ट ना हो और आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। अब अगर हम आपसे बात करें तो ये सारी टेक्निक्स जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। मतलब अगर आपको एफिशिएंटली वर्क करवाना है तो आपको एक अच्छा मेथड चूज करना पड़ेगा। अच्छे मेथड अगर आप चूज करते हैं तो आपको फेयर डे वर्क, मतलब कि एक इंसान जितना
काम कंप्लीट कर सकता है, आपको उसे बस उसे उतना ही काम देना है। और अगर वो काम कंप्लीट करेगा तब आप उसे अच्छा इंसेंटिव दे पाएंगे और अच्छा उसको पे कर पाएंगे। तो ये सारे वर्क आपस में इंटरलिंक होते हैं, ये डिफाइन करते हैं आपका रिलेशन आपके मैनेजर और आपके वर्कर के बीच में। अब उन दोनों के बीच में अच्छी टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर दोनों आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी और उन दोनों का ही लॉस होगा, उन दोनों के इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे। इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने हमें दिया अभी टेलर ने, कि हमें मेंटल रेवोल्यूशन के साथ वर्क करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब टीम की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर वर्क करने की भावना होनी चाहिए, ना कि आपके बीच कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। अगर कंपटीशन की भावना होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर दोनों को नुकसान होगा और प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाएगा। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है। अगर एम्प्लॉयज कोई सजेशन देता है उसको वेलकम करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे वर्कर के बीच में बांटना है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं आपका मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब कि आपको मिलके वर्क करना है। ये सारी टेक्निक्स का यूज तभी पॉसिबल है जब वर्कर और मैनेजर दोनों मिलके वर्क करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल कंपटीशन के लिए मेंटल रेवोल्यूशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेंटल रेवोल्यूशन का। तो आज हमने कंप्लीट किया हमारे सारे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेशन, सेनाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, देन आपकी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में आपने पढ़ा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम। साथ ही हमने पढ़ा इन सबको जो एलिमेंट जोड़ता है, दैट इज द टीम स्पिरिट, वो है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए सेंटेंस है आपका, इन अ फोरमैन सिंपली एंड टाइमली डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड मोशन स्टडी। टीम मतलब मेंटल रेवोल्यूशन, फोरमैन मतलब फंक्शनल फॉर्मैनशिप, सिंपली मतलब सेनाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, टाइमली मतलब टाइम स्टडी, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम, मोशन मतलब मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी। तो लीजिए, आपको आसानी से याद हो गया आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी जरूर आती है। तो अब हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।